हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों मैं शेख चिली की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके लिए लेके आ रही हूँ स्टोरी टाइम में। तो अल्लाह की भैंस, आज की स्टोरी का टाइटल है अल्लाह की भैंस। अब इसमें शेख चिली क्या करने वाला है, ऑब्वियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ करने वाला है जो हमारी सोच से परे है, क्योंकि शेख चिली तो सबसे अलग ही है। आइए इसको रीड करें। एक बार शहर की मस्जिद का नामी गिरामी मौलवी शेख चिली के गांव में आया। दरअसल वह लोगों को इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को बताने के मिशन पर निकला हुआ था। उसने शेख चिली के गांव में जाकर लोगों को धर्म की शिक्षा दी और कहा कि हर सच्चे मुसलमान का यह फ़र्ज है कि वह पांचों समय की नमाज ज़रूर पढ़े। लोग इस काम में आनाकानी ना करें। यह सोचकर वह मौलवी आगे बोला, जो भी इस्लाम को मानने वाला एक महीने तक बिना नागा किए पांचों समय की नमाज पढ़ेगा, उसे अल्लाह की ओर से एक भैंस दी जाएगी। तभी शेख चिली बोल उठा, मौलवी साहब, क्या यह सच है या यूं ही बातें बना रहे हो? अल्लाह भला ऐसा क्यों करने लगा? तो शेख चिली का जवाब और सवाल हमेशा ही कुछ अलग होते हैं। तो शेख चिली ने यह सवाल पूछा और देखते हैं आगे क्या होता है। सुनकर मौलवी मुस्कुराता हुआ बोला, बेटा, अल्लाह बड़ा कारसाज है, उसकी ताकत व इनायत पर भरोसा रखो, वह जरूर तुम्हें फल देगा। इसके बाद शेख चिली ने बिना नागा किए एक महीने तक पांचों समय की नमाज पढ़ी, लेकिन उसे अल्लाह की ओर से कोई भैंस नहीं भेजी गई। तब वह शेख चिली उस मौलवी के पास जाकर शिकायती लहजे में बोला, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार बिना नागा किए एक महीने तक बराबर पांचों वक्त की नमाज पढ़ी, लेकिन भैंस की बात तो दूर, मुझे तो उसका गोबर तक नहीं दिखा। तो शेख चिली का ऐसा जवाब होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, मैंने सोचा ही नहीं था। क्या आपने सोचा था कि शेख चिली इस तरह से जाके कंप्लेन करेगा? और कैसी लग रही है स्टोरी शेख चिली की? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। फिलहाल हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तब मौलवी बोला, मैंने तो ऐसा इसलिए कहा था कि तुम कुछ अच्छा काम करो, अल्लाह की इबादत से अच्छा काम और क्या हो सकता है। शेख चिली समझ गया कि मौलवी ने उसे मूर्ख बनाया है, लेकिन वह खींचे निपोरता हुआ बोला, तुम औरों को बेवकूफ़ बना सकते हो, शेख चिली को नहीं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आधे से ज़्यादा बार तो मैंने नमाज पढ़ी ही नहीं थी, सिर्फ होंठ हिलाता रहा था, ही। वेरी नाइस एंड वेरी क्यूट एंड सीरियसली बहुत ही स्टूपिड है शेख चिली। उसका आंसर हमेशा अलग होता है, और उसने तो नमाज पढ़ी ही नहीं, उसने सोचा कि मैं इसको क्यों ना बेवकूफ़ बना दूँ, जबकि शेख चिली ने नमाज पढ़ी थी और वो मौलवी के कहने का सही अर्थ नहीं जान पाया था, क्योंकि वो शुरू से ही बेवकूफ़ है और मोटी बुद्धि का है। तो शेख चिली का ये किस्सा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको प्रायर बेसिस पर, और शेख चिली की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। क्योंकि शेख चिली की कहानियाँ जो धीमे से गुदगुदाएँ, हंसाएँ और सिखा जाएँ बहुत कुछ, रंगीन चित्रों के सहित। स्पेशल बुक खरीदी है मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आप कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ें मेरे साथ और इनका मज़ा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी धनतेरस एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।